गंज बासदों में पदस्थ थाना प्रभारी महेंद्र शाक्या ने कहा है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। ग्यारसपुर थाना प्रभारी रहे महेंद्र शाक्या को गंज बासदा देहात थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। देहात थाना प्रभारी महेंद्र शाक्या ने प्रतिनिधि की चर्चा में बताया कि मेरी प्राथमिकता अवैध शराब, गांजा, ब्राउन शुगर, जुआ, सट्टा, अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जाएगी। थाने में आने वाले हर फरियादी को न्याय मिले। विदिशा पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने बताया कि ग्यारसपुर रहते हुए उप निरीक्षक महेंद्र शाक्या ने 6 माह पुरानी चोरियों और फ्रॉड में 2,75,000 की वसूली की गई एवं आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ ही दिन पूर्व एक अंधे कत्ल का 24 घंटे में खुलासा किया गया। इसी अच्छी कार्यप्रणाली को देखते हुए इस उद्देश्य से गंज बासुदा देहात थाना क्षेत्र में स्थापना की गई। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। और क्या लगता है, ग्राफ अंकुश लगाने में कम रहेगा ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ? जी, मेरा अभी देहात बासुदा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापना पिछले 2 दिन पहले हुई है। मैंने अभी इसका प्रभार ग्रहण किया है। ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पर ड्रग्स, जुआ, अवैध कच्ची शराब का बहुत ज़्यादा से है। हम उसको अंकुश लगाएंगे और उसको हो सकता है पूरा संभवतः ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और क्राइम को कंट्रोल करने के साथ साथ जो फरियादी हमारे पास आते हैं उसको सुनना और उनकी समस्याओं का निराकरण करना भी हमारा मूलभूत कार्य है। जी बिल्कुल उतरेंगे और उसमें हमने प्रयास जारी कर दिए हैं और संभवतः हम कुछ दिनों में आपको रिजल्ट दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।